फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। एंड अभी टाइमिंग हो गया है आपका 5:12 और अभी आज संडे है, तो अभी हमने सोचा है कि चलो छोटी सी संडे राइड करके आ रहे हैं अभी हम। और हमारे साथ और भी फ्रेंड्स हैं, तो अभी हम मिलवाएंगे आपको, आप लोगों को। एंड अपनी मैनम यहाँ रेडी है, इसको करते अभी हम, ये अपना व्लॉग सेटअप रेडी हो चुका है, फिल अप भी करवाना है अभी, कोल्ड स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मिलते हैं अभी हम मोटो व्लॉग में, ठीक है। अभी इन लोगों से भी मिलना, भी अभी देखते हैं कौन कितना लेट होगा, फिर उसके बाद हम मिलेंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को। चलो तो गाइस चलते हैं अभी, टाइम भी हो गया 5:20 हो गया है, हमारा टाइम निकलने का था 5:20, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और एक फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। तो अभी हमारा जो प्लान था ये है, अचानक ही सडनली प्लान बना, आज संडे है और सोचा कि चलो, बहुत दिनों से, एक महीना अराउंड हो गया हमें गए हुए कहीं, तो इसलिए अभी छोटा सा ही प्लान है हमारा, ये मूर्थल जाना है और मूर्थल से वापस। तो अब नेक्स्ट प्लान जल्दी करेंगे, थोड़ा लंबा ट्रिप मारेंगे, बस अभी छुट्टियाँ मिल नहीं पा रही है, जैसी मिलेगी निकल जाएंगे। और जो जो अभी नए हैं इस चैनल पे और जो अभी आए हैं, तो उनको बता दिया जाए, ये बस मेरा नया चैनल है और नया अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो थोड़ा सा अगर पसंद आया तो सपोर्ट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक ये है ठोकू चंद हमारे भाई, गैप बना के चलियो, ठीक है, हैं? तेल डलवाना है। भाई का मन कर रहा है वैनम चला देगा है ओ भाई फोन तो लगा दो मेरा वहाँ पे। तो शिफ्ट कर गए दोस्तों, अभी हम थोड़ा इनका, ओ भाई आराम से हाइनेस चला रहे हैं और वो हमारा भारी वैनम चल रही है, जरा इसकी भी, इसका भी टेस्ट लिया जाए, है तो बढ़िया स्मूथ। और देखो यही होता है जब बंदा ये ऐसे क्रूजर बाइक से छोड़ करके स्पोर्ट्स बाइक पे जाता है, तो ऐसे गाड़ी भगाता है। मज़ा आ रहा है, बट बड़ा स्मूथ चल रहा है गाड़ी इसका, सॉरी बाइक गाड़ी जो भी। साउंड देखो, साउंड, हाँ भाई क्या हुआ, यहीं से भरवा ले, देखो क्या बढ़िया लग रही है अपनी वैदम चलते हुए। ये हम आ गए सेक्टर 9 द्वारका के, सेक्टर 9 में, हाँ एक्चुअली हम, मैं यहाँ सेक्टर 8 रहता हूँ। कितने बजे खुलेगा,
भाई पेट्रोल तो ओपन ही नहीं हुआ है, अभी 6 बजे के बाद होगा। नाइस नाइस पिकअप, बढ़िया है। पेट्रोल फिलअप हो गई है गाइस, अब निकल रहे हैं। एक तो इस बाइक का मिरर ही नहीं लगा रखा है, इसका पता नहीं टूट गया क्या हो गया। अब दिक्कत हो रही है चलाने, बिना मिरर के तो बिल्कुल ही नहीं चलती गाड़ी। देख रहे हो कैसे खींच रहा है गाड़ी को, हम भी खींच के देखते हैं। आवाज कैसी आ रही है दोस्तों, ये जरूर बताना आप लोग, वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हो रहा मेरा ये, जैसे सेटअप वेटअप करके माइक वाइक लगा करके मोटो व्लॉगिंग करना। लास्ट ट्रिप में तो बहुत ही दिक्कत हो गया था बिना माइक के, बट अब नहीं होगा आई होप। भगाने भगाना आना चाहिए भाई, ओ भाई लेट हो रहे लेट। भाई हमेशा की तरह हम पहले आगे खड़े हैं, और जो हमारा होता है हर ग्रुप में एक बंदा जो होता है जो लेट लतीफ होता ही होता है। पिछले बार ये बंदा लेट आया था, वो भी 1 घंटा एक घंटा लेट आया था, और अभी हमारे आनंद ब्रो पता नहीं कितना टाइम लगेगा उन्हें, कम से 20 मिनट लगेगा, वेट कर रहे हैं हम उनका। ऑलरेडी अभी हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं, 5 बजे जाना था, 6 बज चुके हैं। और ये चीज़ रहता है, चलता है हर ट्रिप में, जब तक 1 आध घंटा लेट ना हो तब तक ट्रिप ट्रिप नहीं होती है ट्रिप। बाकी आते हैं लोग तो मिलवाते हैं उन लोगों से भी। देखो 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 इन लोगों को, 4 बजे आने वाले बंदे 6 बजे आ रहे और 2 बजे ग्रुप में, 2 बजे ग्रुप में गाना गाते हैं ये लोग। और सो रहे होते हैं हम, सो रहे होते हैं। और भाई यार ठीक है, भाई ऑलरेडी 6 बज चुका है, उधर मौत इंतजार कर रही है हमारी, ठीक है। मौत नीचे दीपक बोल रहा है, मौत नीचे टहल रही है, ठीक है। तो जल्दी आ जाओ, चलो भाई निकलो निकलो। तो राइड स्टार्ट हो गई है हमारी दोस्तों, सारे आ गए हैं अभी, और 2 बंदे हैं हमारे, उनको भी उठाएंगे अभी रास्ते में, वो मिलेंगे हमें। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं बट कोई नहीं। हमारे आनंद ब्रो लेट जो होते हैं हर बार एज यूजुअल, और ये पीछे राहुल ब्रो, जन आ रहे से रेड लाइट से पहले अंदर जो कट जा रहा है लेफ्ट साइड में, उससे आगे आना है। अरे मेरे भाई लेफ्ट जा रहा है, उधर से आऊंगा तो लेफ्ट पड़ेगा ना। लेफ्ट में घुसूंगा, ये हाँ रे रेड लाइट है यहाँ पे, इससे लेफ्ट घुसना है ना, पहले डाइवर्जन मेट्रो लिखा हुआ है। अरे घुस, अब सीधे सीधे आना है जिधर लिखा, ये सुनो, अरे ये लिखा हुआ है सुल्तानपुरी मंगोलपुरी, मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन जो लिखा हुआ है इसी रोड पे, ठीक
इसी रोड पे हूँ मैं, आ रहा हूँ सीधा सीधा, देख लेना। अब मौत को कौन उठाएगा, मौत को कौन उठाएगा भाई, हमारे गुरु। हाँ भाई, मौत को कौन उठाएगा, मौत को कहाँ से उठाया जाएगा। ये राना आगे, ये फ्लो फ्लो में आगे निकल जाता है, या तो पीछे रह जाता है या आगे निकल जाता है। नहीं मैं कॉल पे था ना इससे, ये बता रहा था। चल तुझे मौत से मिलवाएंगे, बैठो भाई इधर से यूटर्न ले लेंगे ना। हाँ चलो दोस्तों, अभी एक हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त से मिलवाएंगे आपको। उसका हमने नाम जो रखा है मौत, मौत से मुलाकात आप करो। उसी से पूछे, बोलो उसी से पूछेगा। यार लेट हो गया हम एक घंटा भाई, मैं 4:30 उठाऊं, साढ़े चार उठाऊं मैं, फिर इसको विपिन को कॉल किया, ये भी टाइम पे उठ गया था। देख 10 मिनट हमें लगा, 10-15 मिनट मेरे को पेट्रोल भरवाना था, रात में भरवाना भूल गया था। 20 मिनट का इसलिए वेट किया उनका हमने, आनंद ब्रो का, ये 20-25 मिनट लेट। 6 बजे पहुँचे वहाँ जनकपुरी। कोई नहीं, इतना चलता है भैया। हैं बता देना किधर से मुड़ना है। कभी वो आगे निकल लियो, वो घड़ा मौत, वो दूर से देखो मौत को, मौत को दूर से देख ले। अरे सर दूर से देखिए ये शख्स को, यही है। बाबूराव गणपतराव आपते हैं देवा। चलो भाई अब खींच लो, चले। हाँ भाई ठीक हो। चलो भाई टाइट पकड़ के रखना, यहाँ से राइट लेफ्ट हमें उधर निकलना है, तो लेफ्ट निकल जाएगा रास्ता। कहाँ गए भाई हमारे लोन, अरे सो अभी हम निकल चुके हैं, सबको उठा लिया हमने, सारे दोस्त मिल रहे हैं हमारे, और अब हम जा रहे हैं मूर्थल। पहाड़ है ये, देख लो दिल्ली वालों का पहाड़, दिल्ली कौन कहता दिल्ली में पहाड़ नहीं है, हमारे पास ये पहाड़ है। यहाँ ले आओ, इस पे चढ़ाई चढ़वा दो। दिल्ली भी एक हिल स्टेशन है दोस्त, दिल्ली भी एक हिल स्टेशन है। यहाँ से है ISBT कश्मीरी गेट सीधा, और करनाल बाईपास इधर है, तो करनाल के लिए हम निकल रहे हैं। ये
सोनीपत अली। चलो दोस्तों, ये अब आ गए हम करनाल हाईवे पे, जो कि चंडीगढ़ सब निकलता है वैसे। और ये है देख लो हिल स्टेशन, दिल्ली का हिल स्टेशन, सुंदर सा हिल स्टेशन। देखो हिल स्टेशन का सनसेट, देखो सनसेट सनराइज, सॉरी दोस्तों माय मिस्टेक, फ्लो में बिगड़ गया मैं, सनराइज। चलो अब तो हम अराउंड यहाँ से सोनीपत है 26 किलोमीटर और पानीपत 64, बट हमें तो मूड से जाना था सोनीपत से अराउंड पहले ही है या अराउंड के आसपास ही है, तो हमने 20-25 किलोमीटर गाड़ी चला ली है अभी तक हमने, और 20-25 किलोमीटर और चलाते हैं। बट अभी मॉर्निंग के बज रहे 6:30 बज रहे और ट्रैफिक देखो हाईवे पे कितना ज़्यादा है। अभी मौसम तो अच्छा बढ़िया हो रखा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे गर्मी निकलेगी हालत ख़राब हो जानी है, आते टाइम तो हालत ख़राब हो ही जाएगी इनफैक्ट, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो जाएगी। कोई नहीं दोस्तों, फिर भी मौज मारनी है मौज। मूर्थल यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये धुआं है या धुंध है, धुंध तो हो नहीं सकता इतनी गर्मी में, धुआं धुआं लग रहा है ये। सुबह नहीं बाइक पे, ओए अबे साले इसको बोल तो सामने आ तो भगा लेता है। हमारे दोस्त जो है ना वो बहुत एडवांस किस्म, उसको बोला मैं इधर बगल में आ तो साला खींच लिया आगे। देखो ये जितनी जमीन दिख रही, आनंद ब्रो सुनते ही नहीं है कोई साला, सबसे बढ़िया राहुल लग रहा है, देवा रे देवा। मस्त लगोगे, मस्त पहले मैंने सोचा कि धुंध है, फिर मतलब नहीं यहाँ धुआं है, इंडस्ट्रियल एरिया तो वही धुआं धुआं हो रहा है यार। हमारे लोंडे कंफ्यूज बहुत रहते हैं, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ मूर्थल में वो सुखदेव में जाए या गरम धर्म में जाए। अब कोई कह रहा गरम धर्म, कोई कह रहा सुखदेव, और वहाँ पहुँच करके देखते हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ ना हो और सही दिखेगा उसमें जाएंगे। पहुंच गए हम अमरीक सुखदेव, और भी यहाँ राइडर्स आ रखे हैं, ठीक है। वो है धर्म जी का अपना ढाबा, हाँ भाई किस पे जाना है राहुल, उस पे झूलोगे वो जहाज पे उड़न खटोला। चलो 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 अंदर लगाओ, ना क्या है 4:30-4:30 को आएगा वही तो, मैं तो रात को ना के सोया था बस। देखो ये असली बंदा ना के आया, तू तू आया, नींद नहीं खुली थी मैं आता ना आया हूं, तोर को आयो ना आयो, मैं आ जा रहा हूं, यही है बस एक हमारे ग्रुप में भाई, मैं तो सोच रहा हूं मुझे याद आ रहा हूं प्राणी साले, ट्रिप पे इनमें से कोई नहीं नहाता साला, अभी घर से आया था कोई नहा दी। चले
चलते अंदर सुखदेव की तरफ। जाओ भाई जिस चीज के लिए आए वो तो कर ले अब। अरे दही सुसु मतलब घर से तुम यहाँ सुसु करने आए हो? आ जाओ मुझे फॉलो करो। सबके हेलमेट आ जाए। एक चैन लेकर के चला करेंगे अब। हवेली जा बोले हवेली पर सुन के उस साइड। चलो 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 हाँ खाना खा ले वहाँ चाय पी ले ना ना। हाँ घूम घूम के जाएंगे देख लेंगे ये है कुछ बट यहाँ पे। अरे भाई ये करेगा चलो ना क्या थे जाओ कौन 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 नहीं नहाया भाई नहा लो उसमें नहा लो। हाँ फवारा साथ में मिलेगा इस पे फवारे में बैठ जाना सब धुल जाएगा। अंदर बैठेंगे अंदर बैठेंगे भाई। अब जब आए घर से आया हूँ मैं दिल्ली से यहाँ ये खाना खाने के लिए और बैठू भी ना। चलो राहुल बड़ा परेशान है अपना हेलमेट छुपा रहा है। कोई बात नहीं राहुल लगना चाहिए वी आर इंडियन क्या बना दिए भाई कोई है जगह खाली ये। अरे ये तो रहा अब ये तो रहा भाई पराठे कौन कौन से बताओ तुम्हारा भाई। आलू पराठा सब्जी पराठा आलू प्याज पराठा गोभी पराठा पनीर पराठा पनीर प्याज गोभी पराठा मिक्स पराठा पनीर मिस्टी आलू मिस्टी आलू मेथी पराठा जो मंगाना है वो मंगा लो भाई। मूली का ले ले क्या? मैं बोला साला रेस दे दी ना पिकअप क्या गाड़ी ले दी बोला मूली का पराठा खा लो बोले बैठेगा जब पीछे वो पूरे रास्ते पिकअप मारता हो जाएगा भाई। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं अभी। अरे ले लो भाई बहुत सुबह उठे राहुल ना अब जब भी मैं वीडियो ऐसे ऑन करूँ ये साथ हो जाएगा कि पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा इसी की आवाज थी है कौन ये कट करना ये देखो सीधी मेरे मेरे मुझे एडिटिंग में कट करना आता ही नहीं है जो आता है मैं सब डाल देता हूँ। मक्खन कुछ कम नहीं दिया इसमें दो भाई मक्खन कुछ कम नहीं दिया इसमें भाई ये पराठे अलग अलग है क्या वो आलू वाले हैं ये प्याज वाले हैं और दूर वाले हैं निकल रहे अभी हम वापस घर को और टाइम हो गया 8:20 पराठे बड़े ज़बरदस्त थे भाई खासकर वो मक्खन उसके ऊपर वाह। चलो निकलो दिल्ली। राहुल कूद जाओ गंगा नदी बोल करके। हम आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली के पहाड़ों में। यह है दिल्ली का हिल स्टेशन ठीक है। छुट्टियों में आते हैं जब जिसका बजट कम होता है वो बंदा यहाँ आता है जिसका बजट कम है वो यहाँ आ सकता है ठीक है। आज तो चलो अभी गर्मी का टाइम है तो इसलिए मजा नहीं आ रहा थोड़ा मौसम सही होता भाव खास कर बरसात वाले टाइम में आओ बरसात में स्वाद आएगा आपको। माल रोड है वहाँ की ये माल रोड बन रहा है अभी सो गाइस हम पहुँच गए हैं फाइनली घर। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक एंड बेल आइकन जरूर दबा देना
और बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम, उसके बाद आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिप पे, ठीक है? तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।